फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नाइजर ब्लॉग। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। मेरा आज टीवी कैबिनेट आने वाला है। सो फाइनली आज आने वाला है। मैंने 23 सितंबर को ऑर्डर किया था जब बिग बिलियन डेज स्टार्ट हुए थे, और आज जाकर आ रहा है। सो कोई बात नहीं, काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया, बट टेंशन इस बात की है कि कभी कभी क्या है, पार्सल रॉन्ग आ जाता है या डैमेज आ जाता है, तो टेंशन रहती है, फिर उसे वापस करो, काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। सो बस इसी बात की थोड़ी सी और टेंशन हो रही है कि बस अच्छा आ जाए, डैमेज ना आए, बाकी तो कोई टेंशन नहीं। सो अभी आया था फ़ोन कि वो आने वाला है, तो देखते हैं। सो मैंने वो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। सो फ्रेंड्स, फाइनली कैबिनेट आ गया है, तो मैं जल्दी जल्दी शूट कर लेती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग ब्लॉग में मेरे साथ बने रहिए। सो फाइनली पार्सल आ गया है मेरा। तो बस देखिए, यहाँ पर बस ये एक गाड़ी में से निकाल रहे हैं, और काफ़ी टाइम बाद 20 दिन के बाद मुझे ये पार्सल रिसीव हुआ। सो ऑनलाइन में टाइम लग जाता है कभी कभी, कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दी आ जाता है, कभी कभी टाइम भी काफ़ी लग जाता है। तो ये मुझे क्या लगा कि ये अलग अलग तीन पार्ट्स में आएगा, बट वो एक ही उसमें आया था, क्योंकि सारा वो कुछ सब कुछ अलग था, उसमें सब कुछ असेंबल करना था एक एक चीज़, इसलिए वो एक ही पार्सल में आया था। मुझे लगा कि अलग अलग पार्ट्स में आएगा, तो ये जो आप देख रहे हैं इसी में सारा आया था। सो बस फाइनली ये देखिए, मुझे ये रिसीव हो चुका है, और अब जाके आया है असली काम। अब इसको करना है, अभी इसकी अनबॉक्सिंग भी आप देख लीजिए, अनबॉक्सिंग भी आपके साथ शेयर करूँगी, रिव्यू भी शेयर करूँगी इसके, और इसको असेंबल कैसे किया, इसको इंस्टॉलेशन कैसे किया, एक वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा। इसलिए आप वीडियो को मेरी पूरा देखिए, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो देखिए यहाँ पर ये इस तरह से मुझे एक एक चीज़ इसमें रिसीव हुई है, सारे पार्ट्स इसके अलग अलग आए हैं, तो आप देख सकते हैं। और इसमें सारे स्क्रू वगैरह इसमें सब दिया हुआ है, जितना भी मतलब इसमें सब कुछ लगेगा वो सब एक साथ दिया हुआ है। देखिए ये मेन जो थे वो यही हैं, इस पर पूरा मतलब ये बहुत ज़्यादा मजबूत थे स्क्रू, और इसी को लगाने में हालत ख़राब हो रही थी, इसी के लिए ज़रूरत पड़ती है हैमर मशीन की। सो बस वो अगर जिसके पास है वो घर पर आराम से लगा सकता है। सो बस देखिए यहाँ पर एक एक पार्ट्स इस तरह से आए थे ये सारे, तो बस एक बहुत ज़्यादा इजी था असेंबल करना, बहुत ज़्यादा इजी था। इसमें पूरा एक, जैसा कि मैं आपको मैंने शायद बताया कि इंस्ट्रक्शन चार्ट इसमें दिया रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम पूरा उसको मतलब असेंबल कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी था, बस उसको उसमें चार्ट में देखकर और बस इसको असेंबल करना था। तो देखिए एक एक चीज़ इस तरह से यहाँ पर है अभी देखने पर, जब देखा उस टाइम ऐसा लग रहा था कैसे ये सब होगा, बट काफ़ी इजी था। थोड़ा टाइम लगा था, आधा घंटा भी नहीं लगा था इसको करने में। हाँ चलो आधा घंटा लगा होगा, इससे ज़्यादा नहीं लगा। तो आप देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँगी, मतलब टीवी कैबिनेट में जो जो काम आने वाली चीज़ है वो सब इसमें रिसीव हुई थी, सब आया था, सब कुछ इसमें दिया था, स्क्रू दिए थे, फास्टनर दिए हुए थे, डोमीज वगैरह सब कुछ इसमें आया था। तो बस आप देखिए, बस इसके लिए ये स्टिकर है लास्ट में, वो जो स्क्रू दिखते हैं ना उसको मतलब उस पर लगाने के लिए ये स्टिकर्स भी इसमें आते, तो काफ़ी अच्छा है, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया ये कैबिनेट, और इसकी क्वालिटी वगैरह सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो बस इन लोगों को बस एक ही करना चाहिए कि इंस्टॉलेशन के लिए भी ना इंस्टॉलेशन को प्रोवाइड करनी चाहिए फ्लिपकार्ट अमेज़ोन को, बट क्या कर सकते हैं, उसमें जिनके पास हैमर मशीन है वो आराम से घर पे कर सकते हैं। सो बस देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है पूरा इस तरह से, आपको पूरा स्टेप वन स्टेप टू करके स्टेप थ्री, मतलब इसमें एक एक चीज़ को बार बार बताया गया है, आप इसको अच्छी तरह से पहले रीड करें उसके बाद समझें और फिर इसको असेंबल करें, तो काफ़ी ज़्यादा इजी होगा इंस्टॉलेशन, मतलब असेंबल से लेकर इंस्टॉलेशन तक पूरा इसमें दिया हुआ है। तो आप देखिए काफ़ी ज़्यादा इजी पड़ गया था ये, बट प्रॉब्लम बस वही थी कि आप देखिए पूरे स्टेप दिए हैं इसमें, लास्ट तक दिया हुआ है स्टेप वन से लेके, और ये पैकिंग लिस्ट का भी पूरा आप देख लीजिए, सब कुछ उसमें सारी डिटेल्स दी हुई है, और इसके बाद भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आप वहाँ पे इसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
देखिए ये पूरा ऊपर आप पढ़ सकते हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। सो बस अब यहाँ पर हम इसको असेंबल करना शुरू कर दिया है फटाफट से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसके पार्ट्स फैले हुए डले थे, तो हमने सोचा क्यों ना इसको फटाफट से कर देते हैं। बस चार्ट हमने रख लिया, उसके बाद उसमें से देखते हुए कर दिया। तो सबसे पहले हमें इस, आप लोग जो भी अगर इंटरेस्टेड हैं, टीवी कैबिनेट आ गया है, अब इसको इंस्टॉल करने में मुझे लगता है काफ़ी 1 से 2 दिन लग जाएंगे, क्योंकि दिखने में जितना ईजी लगता है उतना होता नहीं है, सारे पार्ट असेंबल करना पड़ रहा है। इसलिए आपको दिखाती हूँ कैसे कैसे इसको असेंबल कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें जो भी इंटरेस्टेड हैं इसको मंगाने के लिए, तो वो लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि असेंबल तो हम लोगों को लिए ही करना पड़ेगा। और अगर आप फिर इंस्टॉलेशन अगर आप कारपेंटर से करवाएंगे तो फालतू ही उससे करवाना, आराम से घर पे कर सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले हमें इस तरह से ये वाले जो स्क्रू दिए हुए हैं इनको लगाना है, काफ़ी उसमें चार्ट में दिया हुआ है, तो आप लोग सभी कर सकते हैं उसको रीड करके। तो बस इस तरह से देखो, फर्स्ट स्टेप ये है। तो बस मैंने क्या किया था, एक बार वो फ़ोटोज़ में निकाल लिया था उसमें से कि कहीं ऊपर नीचे ना लग जाए, कलर कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है इस तरह से। तो आप लोग ज़रूर इस तरह से लगाइए। ये फास्टनेट दिए हुए हैं तो इनको भी यहाँ पर टाइट करना है नीचे। तो बस ये फटाफट हो गया था, बस थोड़ा दिमाग का काम है, इसमें दिमाग से काम लेना है बाकी तो सब हो गई। ये नीचे वाला पार्ट है, जैसा कि आप समझ रहे होंगे जो नीचे रैक्स बनते हैं ना, ये वो है। तो ये ऊपर जो पीछे रखा हुआ है ब्लैक वाला, ये इसके नीचे जाएगा और ये वाइट वाला ऊपर जाएगा। तो इस तरह से इसको पूरा भी आप देखिए आगे बन जाएगा। तो आप लोग जो भी अगर इसको असेंबल करना ईजी पड़ जाएगा, आप लोग इसमें देख सकते हैं। सो एक एक चीज़ में आई हुई थी, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं दिया, सब कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो मेरा काफ़ी तो ये स्क्रूज वगैरह बहुत सारे बच गए हैं, और काफ़ी सामान दिया था उसके साथ, काफ़ी आया था। आपके पास, हाँ सबसे पहले आपके पास इसको वो असेंबल करने के लिए सब कुछ होना चाहिए। मेरे पास ये पूरा टूल बॉक्स है, जिनके पास नहीं है उनको तो फिर कारपेंटर को बुलाना पड़ेगा। मेरे पास टूल बॉक्स पूरा है, ड्रिल मशीन से लेके सब कुछ, मैंने वो फ्लिपकार्ट से ही मंगाया था, तो उसमें सब कुछ एक साथ आ जाता है। तो मेरे पास ये सब कुछ जिसके पास होगा वो आराम से इसको असेंबल कर सकता है। अब जिनके पास नहीं है उनको तो कारपेंटर को बुलाना ही पड़ेगा। तो आप देखिए ये जो मैंने फास्टनेट बताए थे वो उस तरह से लगेंगे। हाँ, और सबसे बड़ी बात, इस पर ना एक एक पार्ट्स पर नंबर भी लगाए हुए हैं उन लोगों ने, तो नंबर के अकॉर्डिंग आप बहुत ही ईजी पड़ जाता है। आप देख सकते हैं कि नंबर 1 पे कौन सा है पहले, फिर नंबर 2 आएगा, फिर नंबर 3 आएगा, उसको देखकर आप चार्ट में से देखकर आप इसको आराम से असेंबल कर सकते हैं। तो ये देखिए नीचे का पूरा पार्ट तैयार हो गया है मेरा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये बैक साइड का है, ये बैक साइड पर जाएगा वॉल के साइड। तो देखिए एक तो मेरा काफ़ी तैयार हो गया है, इस तरह से नज़र आ रहा है और ये छोटे छोटे स्क्रू हैं ऊपर, इनको इस तरह से टाइट करना है। हम लोगों को लिए इजी, मतलब मुझे इजी इसलिए ज़्यादा पड़ेगा था क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सारा टूल बॉक्स है, किसी भी चीज़ के स्क्रू टाइट करने के लिए सब कुछ मतलब था, तो इसलिए इजी पड़ गया। जिनके पास नहीं है उनको प्रॉब्लम थोड़ी सी आ सकती है। तो ये देखिए ये हाँ सेकंड भी तैयार कर लिया है, ऊपर देखिए ये भी पूरा तैयार हो गया है इसी तरह से। तो बस अब ये थर्ड वाला पार्ट तैयार हो रहा है। तो बस इसमें भी इसमें कुछ नहीं करना था, बस अब फोटोज से देखकर और बस स्क्रू लगाकर इस तरह से एक बार उनको हैमर की हेल्प से उसको थोड़ा सा टाइट करना रहता है। सो बस फाइनली तैयार हो गया है पूरा। तो ये ऊपर वाला रैक रेडी हो गया है, ये साइड वाला और वो नीचे वाला, और ये फोर्थ नंबर का तो उसी में लगा हुआ है। सो बस इस तरह से मेरा ये असेंबल हो चुका है। और अब यहाँ पर हम लोगों ने कोशिश की कि एक बार हम भी करके देखते हैं, बस जैसा कि मैंने बताया कि ये मशीन से नहीं हुआ। तो यहाँ पर फिर हम लोगों ने कारपेंटर को बुलाया, क्योंकि दीवार जो मेरी है वो है पत्थर की, तो ये ईंट की जो दीवार होती है उसमें ड्रिल मशीन से आराम से हो जाता है। तो मेरे पास ड्रिल मशीन थी, हैमर मशीन नहीं थी, इसलिए कारपेंटर को बुलाना पड़ा। सो देखिए ये यहाँ पर कारपेंटर आ चुके हैं और अभी साइज देख रहे हैं कि कौन सा साइज। तो अगर
देखिए, जो असेंबल भी कारपेंटर से कराएगा और इंस्टॉलेशन भी कराएगा तो उसका पैसा थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। हाँ, मैंने सिर्फ इंस्टॉलेशन के लिए ही पैसे दिए थे, असेंबल घर पर कर लिया था, इसलिए मेरे सिर्फ इंस्टॉलेशन के 500 लगे थे। तो आप लोग लगा सकते हैं, मुझे लगता है अगर जो असेंबल और इंस्टॉलेशन करवाएगा उनके तो 1000 लगेंगे ही। सो बस देखिए वैसे, और यहाँ देखिए होल कर दिए हैं और अब यहाँ पर ये लग चुके हैं। पहले इस तरह से लगाना है, एकदम टाइट करना है और बस देख लीजिए आप फटाफट से ही। मेरा ये वाला तो हैंग हो चुका है, कारपेंटर ने तो मतलब आधा घंटा भी नहीं लगाया, 15 मिनट के अंदर सब कुछ फटाफट कर दिया। सो बस काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रहा था कि, और दिवाली का टाइम है तो क्या हुआ, कारपेंटर्स भी बहुत ज़्यादा बिजी थे तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। बस थोड़ी सी ही प्रॉब्लम हो रही थी कि फटाफट से लग जाए, बाकी तो कुछ नहीं। सो बस यहाँ पर देखिए मेरा एक लग चुका है, अभी सेकंड वाला, ये साइड वाला भी लग जाएगा। पहले मेरी टीवी थोड़ी सी ऊपर लगी हुई थी, अब मैं उसको नीचे निकलवा कर थोड़ा सा इसके साइज के बराबर करवा दूँगी। तो देखिए अब काफ़ी अच्छा पड़ गया ऑनलाइन, ऐसा नहीं है। मैंने एक्चुअली क्या हुआ था, जब मेरा ये मकान का काम अभी स्टार्ट हुआ था 1 से 1.5 साल पहले, तो मैंने क्या किया था कि ड्राइंग रूम में मैंने अपना ये बनवा दिया था कैबिनेट, क्योंकि मैंने सोचा मैं ड्राइंग रूम में टीवी लगाऊंगी तो वहीं लगाई हुई थी, मैंने रूम में कैबिनेट नहीं बनवाया था। पर क्या हुआ कि वहाँ ज़्यादा बैठना नहीं होता था, तो मैंने उधर से यहाँ रूम में टीवी लगा दी। अब रूम में तो कैबिनेट था नहीं, इसलिए मैंने वहाँ से ऑर्डर कर दिया, तो काफ़ी अच्छी प्राइस में मुझे रिसीव हुआ और प्राइस इसकी 4000 है, तो काफ़ी अच्छी है। आप लोग ज़रूर इसको परचेज़ करें जिसको ज़रूरत है। और बस देखिए मेरा सारा कैबिनेट यहाँ पर लग गया है, तो इस तरह। सो बस फाइनली ये देखिए मेरा टीवी कैबिनेट तो लग चुका है, और अब मैं ये टीवी जो मेरी थोड़ी सी ऊपर लगी हुई थी पहले, अब मुझे इसके साइज़ के बराबर कर लगवाना है, इसलिए मैंने यहाँ पर भी होल करवा दिए हैं। सो बस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और मेरे 55 इंच का है कैबिनेट, तो इसमें सारे साइजेस अवेलेबल थे। तो आप लोग जितना आप लोगों का रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। और ये देखिए टीवी कैबिनेट लगने के बाद कितनी ज़्यादा धूल हो गई है, तो मुझे ये सब साफ़ करना है। सो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये फाइनली इंस्टॉल हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्च किया था अमेज़ॉन पर भी फ्लिपकार्ट पर भी, कि मतलब बहुत सारे थे, बट क्या हुआ था कि किसी का मटेरियल अच्छा नहीं था, किसी का कुछ अच्छा नहीं था, तो फाइनली इसका मटेरियल भी अच्छा था, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, और ये मुझे जिस तरह का चाहिए था ये पूरा वैसा ही है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इसका कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा है और स्ट्रॉन्ग भी है, ऐसा नहीं है कि ये मतलब हल्का है। और ये है, इसके रेट की बात करें तो ये है 4000 का मुझे ये पड़ा, और 500 रुपये इंस्टॉलेशन के लगे थे, वो भी हम घर पर कर रहे थे, कोशिश की थी, बट क्या हुआ उसके लिए हमारे पास हैमर मशीन नहीं थी, हैमर ड्रिल मशीन थी। ड्रिल मशीन से क्या है, ये जो मेरी जो दीवार है ये पत्थर की दीवार है, जैसे ईंट की दीवार होती है तो उस पर आराम से ड्रिल मशीन से हम मतलब होल कर सकते हैं, बट ये क्या है पत्थर की दीवार है, तो काफ़ी ज़्यादा पत्थर तो आपको पता ही कितना मजबूत होता है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही थी, इसलिए फिर कारपेंटर को बुलाया, फिर उसने इसको इंस्टॉल किया। बाकी काफ़ी ज़्यादा ईजी है, इसको असेंबल करना तो बहुत ज़्यादा ईजी है, असेंबल तो हम लोगों ने ही कर लिया था। तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर मेरा ये बताइए, और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इसको ख़रीदने में तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँगी। ये मैंने टीवी मेरी 50 इंच की है, तो 55 इंच का ये मैंने टीवी कैबिनेट मंगाया था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये स्पेस बिल्कुल सही आया है इसमें, आप देखिए, तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि मतलब फर्नीचर फर्स्ट टाइम ऑनलाइन मंगाया, क्योंकि फर्नीचर का क्या होता है कि सामने से देखना ज़्यादा सही रहता है कि मटेरियल उसका अच्छा तो है, कहीं बेकार तो नहीं है, बट ये काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने इसके रिव्यूज़ देखे तो अच्छे थे, तो सोचा क्यों ना चलो एक जो हम लोगों ने पहले एक और जो हम ड्राइंग रूम में कैबिनेट है वो तो हम लोगों ने क्या बनवा लिया था, बट इस रूम में नहीं था, तो हमने सोचा क्या बनवाएं, एक रेडीमेड खरीद कर देखते हैं, तो काफ़ी अच्छा था और मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरे रूम से भी मैचिंग हो गया है। सो मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँगी। सो बस फाइनली देखिए आप कितना अच्छा लुक लग रहा है इसका,
आप लोगों को अगर नीड है तो आप लोग जरूर जरूर मंगाइए, बहुत अच्छा है और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 4000, अब इससे कम क्या आएगा, बट बाकी है अच्छा, स्पेस बहुत ज़्यादा है इसमें। एक बार मैं आगे से आपको फिर से दिखा देती हूँ, तो आप देखिए पूरा ये ऊपर का रैक है, यहाँ ये सभी है। तो इसमें 43 इंच भी था, 50 भी था और 65 भी था, तो मेरी टीवी 50 थी जैसा मैंने आपको बताया, तो मैंने 55 लिया है और 32 इंच का भी है। सारे मतलब इंचेस आपके टीवी के अकॉर्डिंग इसमें मिल जाएंगे, तो आप लोग ज़रूर इसे परचेज़ कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए आप लोगों को कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।